संभल में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में वहशी बाप ने अपनी नाबालिग बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया, जिसके चलते पीड़िता ने दरिंदे बाप को डंडे से तब तक पीटा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और कलयुगी बाप को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद घर में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग भी पहुँच गए और उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। अच्छा, दारू पी के आया, फिर मेरी बकोटी जाके बेइज्जत करी, फिर मेरे धक्का मारू सवाल लिखे थे वो गिर गो, फिर मैं डंडा मारी, डंडा मार के मूरा में और गुदी पर। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना धनारी क्षेत्र में सुनवर गांव का मामला है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया जा रहा था और उस पुत्री द्वारा इस बलात्कार से बचने के लिए उसको पहले मतलब लात मार के अपने से अलग किया गया, उसके बाद अपने बचाव के लिए उसने के द्वारा उस पर डंडे से प्रहार किया गया जो वहाँ उपलब्ध था और उस प्रहार से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 155/17 अंतर्गत धारा 376 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। पुलिस ने उस डंडे को बरामद कर लिया है जिसको घटना के दौरान प्रयुक्त किया। फिलहाल पुलिस ने सेल्फ डिफेंस का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। संभल से मुजम्मिल दानिश, पंजाब केसरी टीवी।